बिस्मिल्लास मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ वीवर्स इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपके साथ ताज़ा तरीन अपडेट्स ये शेयर की थी कि ऐसे तमाम अफराज जो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेगुलर बेनिफिशरीज हैं और उनके कोई पेमेंट्स रुकी हुई है जुलाई सितम्बर की किस्त या इससे पहले वाली उन लोगों को आज से बाकायदा तौर पर वो दोनों रुकी हुई किस्तें भी मिलेंगी यानी अगर पहले वाली किस्त रुकी हुई है तो वह पहले वाली भी मिलेगी और जुलाई तथा दिसंबर की किस्त भी अभी तक नहीं मिली तो वो भी उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र की जाएगी तो बिल्कुल इसी तरह आज भी काफ़ी सारे लोग ऐसे अफराद हैं जो पहले से इस हवाले से परेशान थे उन्होंने अपनी पेमेंट्स हासिल की हैं लेकिन यहीं पर ये अपडेट्स भी आज हम उन्हें देने जा रहे हैं और इसी हवाले से एनालाइज़ भी किया है क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से हमसे रबता किया गया है कि पहले एक किस्त नहीं मिली थी मतलब नौ हज़ार रुपये की किस्त वो भी आज हमें मिल चुकी है और साथ में बच्चों का वजीफ़ा भी ऐड हुआ है तो आपको बताते चलें कि बच्चों का वजीफ़ा सिर्फ़ उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिन सितंबर से पहले वाली कोई एक या दो किस्त रुकी हुई थी तो उन लोगों को बच्चों का वजीफ़ा मिल रहा है बाकी जो जुलाई था सितंबर की जो बच्चों की तालीमी वज़ाइफ की किस्त है वो तो आप पहले भी जानते हैं काफ़ी बार आपको बताया चुके हैं कि वो यकम जनवरी 2024 से शुरू होगा लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने ये अपडेट्स भी आपके साथ शेयर की हुई हैं के बच्चों के वजाइफ़ की जो किस्त है वो बेनज़ीर तालीम वज़ाइफ की जो रजिस्ट्रेशन है इसको बंद कर दिया गया है वैसे बिल्कुल भी नहीं है हाँ ये आपको बताते चलें कि बच्चों के वज़ाइफ की या तलीमी वज़ाइफ में अपने बच्चों का अंदराज हुआ है वो ऑनलाइन तो नहीं हो रहा लेकिन आप अपने करीबी बी आई एस पी के ऑफिस में जाकर अपने बच्चों का अंदराज इस तलीमी वज़ाइफ प्रोग्राम में करवा सकते हैं इसी तरह आपको ये भी बताते चलें कि काफ़ी सारे लोगों ने ये धंधा भी शुरू किया हुआ है कि व्हाट्सअप ग्रुप या मुख्तफ शोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह सर्विसज़ प्रोवाइड आपको कर रहे हैं हम बच्चों के ताली वज़ाइफ की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आपको इतनी फ़ीस देनी पड़ेगी आप अपने डाक्यूमेंट्स फ़लाँ फ़लाँ फलाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उन तमाम लोगों से आप एहतियात करें रहे दूर रहें और आप के हक़ में बेहतर यही है कि आप अपने करीबी बी आई एस पी के ऑफिस जाकर इस हवाले से जो भी मालूम लेनी है वो मालूम भी हासिल करें और अपने बच्चों का अंदराज करवाना चाहते हैं तो वो भी आप वहीं से करवाएं वगरना आप बहुत बड़े नुकसान का निशाना बन सकते हैं अच्छा व्यूवर्स काफ़ी सारे लोगों ने बार बार यही सवाल किए हुए हैं कि भाई आठ हज़ार पाँच सौ रुपये की किस्त एक बार दी जाती थी फिर नौ हज़ार रुपये की किस्त मिलती थी तो अब ये क्या वजह है कि बच्चों की पेमेंट्स मिली मिल ही नहीं रही और जो कफालत प्रोग्राम की पेमेंट्स हैं वो मसलसल दूसरी तीसरी दूसरी तीसरी मिल रही है क्योंकि कहीं बच्चों की तलीमी वजाइफ़ को ख़त्म करने का फ़ैसला तो नहीं हो चुका बस सिर्फ तलीमी वजाइफ़ के बजायब कफालत प्रोग्राम चलाए जाए इस हवाले से आपको क्लियर करते, करते चलें कि हकीकत से आगाह करते चलें कि बे तलीमी वजायफ का कभी बंद नहीं की होगा और इस वक्त भी चल रहा है और बिल्कुल इसी तरह चलता रहेगा जैसे कि पहले चल रहा था इन जनवरी दो हज़ार बीस में लेकिन जहाँ तक कफालत प्रोग्राम की नौ हज़ार रुपये की पेमेंट्स के हवाले से बात है वो आपको बताते चलें कि इस निगरान हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि आठ हज़ार पाँच सौ रुपये की किस्त या नौ हज़ार रुपये की इस तरह की जो समियाई किस्त हैं उनमें नहीं किया गया इसको भी ख़त्म नहीं किया जाएगा और गरीब आवाम को इस महंगाई से बचाने के लिए आपका भल्द प्रोग्राम की पेमेंट्स को नौ हज़ार रुपये कर दिया जाएगा वैसे हर तीन महीने बाद आपको आठ हज़ार किस्त जारी होती थी इस वजह से ए टी एम की लिमिट्स को मद्देनज़र रखते हुए नौ हज़ार रुपये किया गया है लेकिन अब आप को आइंदा के लिए हर बार नौ हज़ार रुपये की ही किस्त मिलेगी तो निगरान हुकूमत का ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा फ़ैसला है और गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छा फ़ैसला भी है और इन शह आने वाले वक्त में मुसलसल हम पहले भी देखते आ रहे हैं कि हुकूमत की हालात खसूस पाकिस्तान के जो महंगाई के हालात थे उन पर भी कंट्रोल कर लिया गया है और काफ़ी सारी एशिया की गमतों में भी वाजिया कमी नज़र आ रही है और आने वाले वक्त में भी इसी हवाले से अच्छी उम्मीद रखते हैं इसी हवाले से आप आपने भी यही दुआ करनी है हम भी दुआ गो हैं बस आज की वीडियो में इतना ही मजीद नई मालूम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक अल्लाह हाफिज़